गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आपके फोर्थ क्लास का फर्स्ट लेसन अ थैंक यू प्रेयर। थैंक यू प्रेयर है ना। अब थैंक यू का मतलब हुआ धन्यवाद और प्रेयर मीन्स प्रार्थना। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, आप भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप भगवान से प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर मीन्स प्रार्थना और थैंक यू मीन्स धन्यवाद। वॉट डू यू से to your friend when he she helps you? Friends का मतलब आपके दोस्त या आपकी सहेली, और he means अगर लड़का है तो he, she means लड़की, help यानी मदद करना। आप अपने मित्र से क्या कहते हो जब वह आपकी मदद करता है या आपकी मदद करती है, तब आप उनसे क्या कहते हो? क्या कहते हो आपको जब भी आपकी मदद करते हैं आपकी फ्रेंड्स, तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू। आप बोलते हो ना उनको थैंक यू। तो जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू। सेकंड पॉइंट है, व्हाट थिंग्स डू यू मदर डू योर मदर एंड फादर डू फॉर यू? आपके माता और पिता आपके लिए क्या क्या चीजें करते हैं? आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं? तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरे पिताजी हैं वो कमाने के लिए जाते हैं, माता जी हैं वो घर का काम करती है, खाना बनाती है, हमारे सारे काम करती है और घर के भी काम करती है। थर्ड पॉइंट, What should we say to our parents for the things they give to us? हमें हमारे माता पिता को उन चीजों के लिए क्या कहना चाहिए जो वो हमें देते हैं? आपके माता पिता आपकी फरमाइश पूरी करते हैं ना, आप जो भी मांगते हो आपकी सब चीजें आपके माता पिता आपको ला कर देते हैं, तो हमें हमारे माता पिता को उन चीजों के लिए क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? हमें धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि आपने हमें इतनी सारी चीजें ला कर दी जो हमें चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट शुड वी से टू गॉड फॉर द थिंग्स ही गिव्स टू अस? ईश्वर हमें जो वस्तुएं प्रदान करते हैं उसके लिए हमें उन्हें क्या कहना चाहिए? जो भगवान आपको कुछ भी चीजें आप जो मांगते हो आपकी वो पूरी हो जाती है आपकी विश, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए भगवान को? या हमें भगवान से जो भी चीज मिलती है उसके लिए हमें क्या कहना चाहिए? उन्हें भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। चलो अब अपन इस पाठ को पढ़ते हैं। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, हमें भगवान को फॉर मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, ड्रिंक मीन्स पीना, फूड मीन्स खाना। अब देखो जो भगवान आपको पीने के लिए दूध देते हैं और जो हम खाना खाते हैं, खाने में हम कई तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब हमें किसके द्वारा मिला है? भगवान से मिला है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। फॉर मिल्क और दूध पीने से क्या होता है? हमें ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हम ताकतवर बनते हैं। तो हमें भगवान को जो हमें उन्हें उन्होंने हमें खाना दिया, हमें दूध दिया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। फॉर आईज एंड ईयर्स एंड हैंड्स एंड फीट, थैंक यू गॉड फॉर आईज। आईज मीन्स आपकी आंखें, एंड ईयर्स, ईयर मीन्स कान, एंड हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ, एंड फीट, फीट मीन्स पैर। तो भगवान ने हमें जो आंखें दी है, जो कान दिए हैं, जो हाथ दिए हैं,
और जो पैर दिए हैं, आँखों से आप इस सुंदर से दुनिया को देख सकते हो। ईयर्स यानी कान, कान से आप सुन सकते हैं, हाथों से आप काम करते हो और पैरों से आप चलते हो। अगर भगवान ने, अगर हमारे शरीर में कोई कमी होती तो हमें कितना दुख होता कि काश मेरे भी आंखें होती तो मैं सुंदर दुनिया को देख पाती। लेकिन भगवान ने हमें आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, तो हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। फॉर मदर फादर एंड देयर केयर, फॉर अवर हाउस एंड क्लोथ्स टू वियर, थैंक यू गॉड। फॉर मदर, मदर मीन्स माँ, फादर मीन्स पिता, एंड देयर केयर, जो आपके माता पिता आपकी केयर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। केयर करना मीन्स देखभाल करना, तो आपके माता जी आपके पिताजी आपकी देखभाल करते हैं। फॉर अवर हाउस एंड क्लोथ्स टू वियर, और जिस घर में आप रहते हैं उस घर की देखभाल भी कौन करते हैं? आपके पिता माता आपकी देखभाल करते हैं, मम्मी पापा आपके घर की देखभाल करते हैं। और उस सुंदर से घर में आप रहते हैं, फिर वो आपको पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े देते हैं। तो हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि आपने हमें इतने अच्छे माता पिता दिए जो हमारी इतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, और हमें इतना सुंदर घर मिला, और हमें पहनने के लिए इतने सुंदर सुंदर कपड़े मिले। इसलिए हमें जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और परमात्मा का, भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए। फॉर फ्रेंड्स विथ हुम आई रन एंड प्ले, फॉर सन एंड रेन एंड नाइट एंड डे। फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी आपकी सहेलियां, आपके दोस्त। भगवान ने आपको जो भी सहेली दी है, या आपने बहुत ही अपने मन मुताबिक अपने सहेलियां बनाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, तो उनके साथ में आप दौड़ते हैं, उनके साथ आप खेलते हैं, तो उसके लिए भी परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर सन, सन मीन्स सूर्य, एंड रेन मीन्स बारिश, एंड नाइट, नाइट मीन्स रात्रि, रात, एंड डे, डे मीन्स दिन। तो भगवान ने ये चांद तारे बनाए हैं, ये दिन रात बनाए हैं, ये बारिश बनाई, ये मौसम बनाए, ये ऋतुएं बनाई हैं। तो ये आप आकाश में देखते हैं आग का गोला, जो सूर्य कहते हैं हम इसे, तो अगर वो नहीं हो तो क्या हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो सूर्य आते हैं सुबह आकाश में, तब हमें सब दिखाई देने लगता है, और रात्रि होने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और एंड रेन, रेन मीन्स बारिश, और जब बारिश होती है तब क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है। तो ये सब हमें किसने दिया है, परमात्मा ने, भगवान ने दिया है, तो हमें उनका धन्यवाद कहना चाहिए। फॉर ऑल द थिंग्स यू गिव टू मी, हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल बी, थैंक यू गॉड। हर चीज के लिए धन्यवाद जो भगवान आपने हमको प्रदान की है, हमारी हमेशा मदद की है, मेरी हमेशा मदद की है, उस हर चीज के लिए आपको भगवान धन्यवाद है। हमारे साथ हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, और जो हम सबकी मदद करते हैं उसमें भी भगवान बहुत खुश होते हैं, आपकी मदद भगवान करते हैं, तो फिर आपको भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तब भगवान खुश होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हम एक थैंक यू प्रेयर इसलिए बोलते हैं ताकि हम परमात्मा का, भगवान का धन्यवाद कर सके कि हे भगवान, इस दुनिया में आने के बाद हमने आपसे इतनी चीजें पाई, आपसे हमको इतनी चीजें मिली है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर घर दिया, इतने सुंदर अच्छे
पहनने को कपड़े दिए, खाने को हमें इतना सुंदर अन्न दिया, अच्छे माता पिता दिए जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारे चारों ओर का इतना सुंदर वातावरण है, सूर्य है, चंद्रमा है, बारिश है, पतझड़ का मौसम है, हर ऋतु अपने में एक अलग ही महत्व रखती है, हमें अच्छे अच्छे दोस्त दिए ताकि हम अच्छे से उनका उनके साथ खेल सकते हैं, अपने सुख दुख उनके संग बांट सकते हैं। तो हे परमात्मा, आपने जो भी चीजें हमें इस दुनिया में दी है उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो थैंक यू गॉड।